भारी भरकम हेडफोन्स को रखते हैं साइड में, मैं फेंकने नहीं वाला भाई, टूट जाएंगे, महंगे हेडफोन्स हैं। आज हमारे पास वायर्ड ईयरफोन्स, कॉस्मिक बाइट की तरफ से दो नए ईयरफोन्स लॉन्च हुए हैं, CBEP04 एंड CBEP05। अब मुझे इनका मॉडल नंबर समझ नहीं आया। CBEP04 महंगे वाला है, ये 800 रुपीज का है, और 05 500 रुपीज का है, जबकि इसका नाम 05 रखना चाहिए था, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा नंबर अच्छा, छोटा नंबर बेकार। तो ये राज कॉस्मिक बाइट वालों के पास रहने दो। और बहुत टाइम से बड़े बड़े हेडफोन्स का रिव्यू हो रहा था, तो मुझे लगा यार हमारे BGMI वाले भी तो गेमर्स हैं, फ्री फायर वाले भी तो गेमर्स हैं, उनके लिए भी वायर्ड ईयरफोन्स हम ला सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप फोन पे यूज करो या पीसी पे भी यूज कर सकते हो, गेमिंग ईयरफोन्स है। गेमिंग इसलिए क्योंकि इसके साथ एक्सटर्नल माइक वगैरह का सीन है दोनों के साथ, और लुक भी गेमिंग वाली है। तो बस बहुत होगी बात, फटाफट से डब्बे खोल लेते हैं। तो ये हमारा CBEP05 का बॉक्स, सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ब्राउन कलर का अंदर से निकलेगा बॉक्स, और एक पाउच, अच्छा सस्ता है तो बिल्कुल सस्ता वाला हिसाब किताब है इसके अंदर। तो एक ही आपका एक्सटर्नल माइक्रोफोन निकल जाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, और ये रही हमारी ईयरफोन्स। चलो अभी साइड रखते हैं, दूसरे वाला खोल लेते हैं पहले। ये रहा हमारा CBEP04 का बॉक्स, बॉक्स काफी सुंदर है इसका। ओ भाई ईयरफोन में सुंदर है तो, अरे वाह, इसके अंदर कैरिंग पाउच भी है। ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे, सिल्वर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में ईयरफोन्स। ओए स्प्लिटर, एक साथ स्प्लिटर मिल जाता है इसके साथ, एक माइक्रोफोन है, क्लिप है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है, बहुत सारी सामग्री। और ये रहे हमारे ईयरफोन्स। सबसे पहले स्प्लिटर की क्वालिटी देख लो, स्प्लिटर की क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है, एकदम ऐसे प्रिंटेड टाइप की वायर है तो रबर की, ब्रेडेड नहीं है बट क्वालिटी अच्छी है, ये पीसी वगैरह में काम आ जाएगा। ये वाला जो माइक है CBEP05 के साथ मिलेगा, और ये वाला जो माइक है CBEP04 के साथ मिलेगा। तो दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, और दोनों एक दूसरे में लग भी सकता है क्योंकि आगे के जो पोर्ट है वो बिल्कुल सेम है दोनों के। और जो 04 मॉडल के साथ पाउच है ये भी मतलब ठीक है, जितना एक ईयरफोन के साथ जिस क्वालिटी का पाउच आना चाहिए, कोई लेदर वेदर तो नहीं मिलेगा बट हाँ क्वालिटी अच्छी है, और एक एकदम ऐसे बंद भी हो जाता। सबसे पहले वायर ही कंपेयर कर लेते हैं। तो ये वाली जो वायर हमारी 05 मॉडल की है, जो 500 रुपीज का है, और इसमें वायर बेसिक सी दी है जो एक 500 रुपए की ईयरफोन में होनी चाहिए। और आगे से जो ईयरफोन वाली वायर है वो भी बिल्कुल बेसिक सी है, और कुछ ऐसे गेमिंग टाइप की लुक में आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपका माइक इनपुट है, जहाँ पे आप अपना ये एक्सटर्नल वाला माइक लगा सकते हो ऐसे करके, और ऐसे मुंह पे लगने के बाद पूरी पायलट वायलट वाली फीलिंग आती है इसको लगा के। ये बीच में इसका कंट्रोलर है, इसके अंदर एक आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, और एक यहाँ पे माइक्रोफोन दिया है, और यहाँ पे एक बटन भी है जिससे आप कॉल वगैरह पिक कर सकते हो। और आगे से 3.5mm जैक वाला इनपुट है। अब आ जाते हैं CBEP04 पे। सबसे पहले तो ईयरबड्स देख लो, उसके कितने ही सुंदर लग रहे हैं भाई, सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और ऐसे इतनी बड़ी सी और फोन है, पूरी आगे तक ऐसे निकली हुई है जैसे पता नहीं क्या क्या लगा दिया इसके अंदर। वैसे ओवरऑल जो इसकी बिल्ड है और उसकी बिल्ड है बिल्कुल सेम सी है, मेरे को ऐसा नहीं लगा, बस लुक थोड़ा सा अच्छा दिया इसका। बट जब बिल्ड की बात चल रही है तो इसकी वायर बढ़िया है, इसके अंदर आपको जैसे सांप की चमड़ी जैसी वायर मिलेगी, थोड़े से डिजाइन से बने हुए हैं। और जो फ्रंट वाली ईयरफोन की वायर है इसके ऊपर भी कुछ पैटर्न टाइप बना हुआ है, और यहाँ पे हमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता, सिर्फ कॉल पिकअप करने का बटन मिलता है, और एक माइक्रोफोन दिया है यहाँ पे। बाकी ये वाला इसके अंदर भी माइक्रोफोन लगने के लिए, जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा सकते हैं इसके साथ जो आया। तो ये तो कि बार बार के लुक्स दोनों ईयरफोन की। अब साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि कैसी साउंड क्वालिटी है, गाने सुन के, गाने के हिसाब से बताता हूं। गेमिंग टेस्ट मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा क्योंकि अभी खोली है मैंने कुछ टेस्टिंग नहीं करी इसकी, तो पहले गाना सुन लेते हैं। अभी मैं CBEP05 टेस्ट कर रहा हूं जो 500 रुपए वाली है। ओ कंफर्ट तो अच्छा है भाई इसका, एकदम बढ़िया से फिट हो गया, और जो ऊपर का वो काजू सा बना हुआ था ना वो कान में घुस गया। मैंने आज हैंड टू हैंड इसलिए सुनी क्योंकि ईयरफोन्स का ना ऐसा रहता है कि जब सुनो एकदम बताओ, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस निकलता है। बेस अच्छा है, मिड्स क्लियर हैं जो वोकल्स वगैरह होते हैं, लाउडनेस भी अच्छी लगी, जो वॉल्यूम है ईयरफोन की अच्छी है। ट्रेबल थोड़ी सी कम लगी मुझे, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही खत्म है, थोड़ी सी जो एक गेमिंग के हिसाब से हम जज करेंगे। बाकी गेम टेस्ट करके भी आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा। अब दूसरे वाले टेस्ट कर लेते हैं जो महंगा सौदा हमारा 800 रुपीज का। ओ इसके तो ईयर टिप्स ही जबरदस्त है, ऐसे हवा सी बंद होगी भाई, मतलब जैसे लगता है ना कोई ईयरफोन लगाओ एकदम बढ़िया फिटिंग जाए कान में बैठी है, ये कुछ उस टाइप का हिसाब है। ये मतलब फिटिंग के मामले में उससे बढ़िया है, ऑब्वियसली महंगी है बढ़िया तो होगी। भाई साहब महंगी है अच्छी है, बेस बहुत तगड़ा है, लाउडनेस भयंकर तरीके की है, मिड्स ऑब्वियसली क्लियर होने वाले हैं, ट्रेबल की कमी मुझे इसके अंदर भी लगी पर इतनी ज्यादा नहीं, बहुत बहुत मिनिमल सी। मैं थोड़ा गेमिंग के हिसाब से जज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कह नहीं सकते। तो एक काम करता हूँ, मैं गेम टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। One eternity later. मैंने इसको फोन से कनेक्ट करके BGMI खेल के देखा बहुत देर, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब BGMI खेलते हुए मेरे को लग रहा था शायद ट्रेबल को मोनो की वजह से कुछ थोड़ी प्रॉब्लम देगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे को पर्सनली सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिली। और उसके बाद मैंने पीसी से अटैच करके वैलोरेंट भी खेला, स्टीरियो सेपरेशन अच्छा है, लेफ्ट साइड्स बढ़िया पता लग जाते हैं। आपको अगर कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप इनके लिए जा सकते हो। अगर हम हेडफोन्स के हिसाब से इनको कंपेयर करेंगे तो उस लेवल की परफॉर्मेंस तो हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जिस प्राइस रेंज में आता ना उस हिसाब से सही है। उसके बाद मैंने प्लेस्टेशन पे कनेक्ट करके स्टोरी गेम्स खेले, CBEP05 जो हमारी 500 रुपीज वाली है उसमें मेरे को मतलब ठीक ठीक समझ आया, लेकिन जब मैंने 800 वाली ईयरफोन यूज
की ना उसमें तो भाई अलग ही लेवल, क्योंकि उसकी साउंड बहुत अच्छी है। स्टोरी गेम्स में जो हमारे को धूम धड़ाका चाहिए होता ना, वो एक्चुअल उसके अंदर हमारे को मिल रहा था। तो मैं 800 वाले से तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बट 500 वाले से मैं डिससेटिस्फाइड नहीं कहूंगा। जिस प्राइस रेंज में आते हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है। तो ये है माइक टेस्ट, 500 रुपए वाली ईयरफोन हम पहले टेस्ट कर रहे हैं, और अभी जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो इसके इंटरनल माइक से हो रही है जो वायर के साथ ही अटैच था। तो देख लो कैसी साउंड क्वालिटी है, मैं तो एडिटिंग के टाइम पे सुनने वाला हूँ, बाकी आप तो बताई दोगे कमेंट करके। और अब जो आवाज सुन रहे हो वो इसके पायलट वाले माइक से, जो अटैच माइक है। ये 500 रुपए वाली ईयरफोन ही चल रही है अभी माइक टेस्टिंग में। तो ये कुछ ऐसी आवाज है, जब आप गेम वेम खेलोगे या कॉलिंग पे ही बात करोगे तो कुछ ऐसी आवाज आपके सामने वाले इंसान को सुनाई देगी। बताना कमेंट करके कैसी लगी, मैं तो एक ही चीज बोल बोल के थक चुका हूं भाई। एक काम करो तुम, इसी बात पर लाइक मारो वीडियो को, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये वाला जो माइक है ये इंटरनल माइक है 800 वाले मॉडल का, यानी कि जो CBP04 है हमारा। तो कुछ ऐसी आवाज है, कॉलिंग वॉलिंग पे बात करनी रात को रजाई में छुप के ऐसे मुंह के आगे माइक करके, समझ रहे हो, तो वैसी आवाज जाएगी आपके सामने लव्ड वन को, तो कमेंट करके। तो अभी हमने एक्सटर्नल माइक अटैच कर लिया है, अभी जो साउंड क्वालिटी है वो देख लो कैसी है। हेलो चेक 1 2 3, भाई साहब क्या हाल चाल है भाई, ग्रेनेड मार उसको भाई, गन दे मुझे, स्कारल चाहिए, M416 चाहिए। तो ऐसी कुछ बातचीत तुम करने वाले गेम खेलते हुए, बताना इसकी भी साउंड कैसी लगी। यार मैं खराब होगी जिंदगी मेरी। तो भाई बस इतना ही था वायर्ड ईयरफोन्स में रिव्यू करने के लिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इन दोनों ईयरफोन्स का जो प्रीवियस वर्जन है CBEP03, मैंने उसका भी रिव्यू कर रखा है चैनल पे भाई, उस पर बहुत तगड़ा रिस्पांस दिखाया था तुमने, होपफुली इस पे भी दिखाई दोगे। और अब बात करें कंक्लूजन की, तो जिस प्राइस रेंज में दोनों ही आती हैं इसमें मैं क्या ही जज करूं, मतलब कुछ अच्छा बुरा कहने लायक है नहीं। मुझे ट्रैवल कम लग रही थी बट गेमिंग एक्सपीरियंस में मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, कैजुअल गेमर्स के लिए कहूंगा। हाँ अगर आप थोड़ी कंपेटिटिव टाइप की गेमिंग करोगे तो मैं कहूंगा हेडफोन्स लो या फिर थोड़ी महंगी टाइप की ईयरफोन लो, जैसा इनका प्राइस है उस हिसाब से टोटली जस्टिफाई करते हैं अपनी साउंड क्वालिटी को, अपनी बिल्ड क्वालिटी को, सब मतलब बढ़िया है। बाकी बाय करनी होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाय कर लेना। लाइक आप मार दोगे वीडियो को, कहने की जरूरत है नहीं, या कहने की जरूरत पड़ेगी, चलो भाई साहब लाइक मार दो। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए मैं एक बार बोल चुका हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, कर दो यार। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।